हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 3 में अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया था। अब अपन स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखो, रेस्पिरेशन समझने से पहले अपन रेस्पिरेशन की नीड समझते हैं। तो देखो, जो फूड अपन कंज्यूम किया डाइजेशन में, अपन ने उस फूड को ब्रेक डाउन किया और उसे एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस फूड को अपन ने ट्रांसफर कर दिया कहां पर, सेल में। ठीक है, अब वहां सेल में उस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, और इस एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो बेसिकली रेस्पिरेशन का एक पार्ट क्या होता है, बाहर से ऑक्सीजन लेना। जब ऑक्सीजन ले लेंगे तो ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचानी भी पड़ेगी, तो बोले तो ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर वहां ऑक्सीजन जाएगी सेल में और उस फूड का ऑक्सीडाइज करेगी। ऑक्सीडेशन होने से फूड का क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और साथ ही साथ में CO2 भी प्रोड्यूस होगी। फिर उस CO2 को क्या करके लाना पड़ेगा, वापस लंग्स तक लाना पड़ेगा, और लंग्स से उस CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच वी इनटेक ऑक्सीजन। अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं टू ऑक्सीडाइज फूड, और फूड का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, और साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके ये स्टेप होते हैं 4। एग्जाम में जब भी आप डेफिनेशन लिखो तो ये पूरा यहां से यहां तक लिखे, ये 4 स्टेप भी लिखे। देखो, पहला स्टेप है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन लेना और CO2 निकालना। सेकेंड है एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब जो ऑक्सीजन अपन ने लिए वो कहां जाएगी, लंग्स में, तो लंग्स से उस ऑक्सीजन को कहां देना, ब्लड में, और ब्लड से CO2 को कहां ले लेना, लंग्स में। ठीक है, और फिर उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना कहां तक, सेल तक। ठीक है, ये तीसरा स्टेप। और फिर जब सेल में चली जाएगी तो सेल में वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और क्या होगा, एनर्जी रिलीज। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, सिस्टम अपन पहले ही कर चुके हैं। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे। तो यहाँ ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच परफॉर्म रेस्पिरेशन वो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी मसल्स। इन तीनों को समझने से पहले एक बार इसके डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। तो देखो, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, ये देखो, ये अपना नोज है, और ये नोज से रिलेटेड क्या, नेजल कैविटी। नोज से अपने क्या ऊपर ये कैविटी होती है जो अंदर की तरफ भी होती है, और ये माउथ, और माउथ से आगे जुड़ी हुई ओरल कैविटी। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों आगे जुड़कर क्या बना लेती है, फेरिंग्स। इधर तक कोई समस्या नहीं। फिर ये फेरिंग्स आगे जाती है, तो यहां 2 पाइप होते हैं, एक ट्रैकिया और एक क्या होता है, इसोफेगस। इसोफेगस अपन ने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि वो अपना यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ट्रैकिया और इस फेरिंग्स के बीच में यहां पर एक वोकल बॉक्स भी होता है जिससे अपन साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लैरिंग्स। और लैरिंग्स के ऊपर एक कार्टिलेजिनियस क्या होता है, फ्लैप होता है, या ढक्कन कह सकते हैं, जो कि ट्रैकिया को क्या करता है, बंद करता है किस समय, फूड को निकलते समय। अपन ने ये देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद ये ट्रैकिया जो है वो अंदर जाती है और चेस्ट एरिया में, बोले तो यहाँ थोरेसिक, मैंने पहले भी बताया था एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी 2 होती है जो डायफ्राम से सेगमेंट होती है। ये अपन डायफ्राम के ऊपर का पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब ये कौन सा है, थोरेसिक कैविटी। तो जैसे ही ये ट्रैकिया या चेस्ट वाले रीजन में आती है, यहां पर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर दोनों तरफ एक जैसा ही पैटर्न चलेगा, ब्रोंकाई जो है वो और डिवाइड होगी जिसको सेकेंडरी ब्रोंकाई कहेंगे, फिर वो पाइप और डिवाइड होंगे जिसको टर्शियरी ब्रोंकाई कहेंगे, और फिर वो और डिवाइड होंगे जिनको ब्रोंकियोल्स कहेंगे। फिर ये ब्रोंकियोल्स डिवाइड होती जाएगी और लास्ट में क्या बनाएगी, टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल बोले तो एंड पॉइंट ब्रोंकियोल्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लास्ट में ऐसे जो एंड पॉइंट होंगे वहां पर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई और टर्मिनल ब्रोंकियोल के बीच में एक डक्ट भी होती है जिसको क्या कहते हैं, एल्वियोलर डक्ट। कोई समस्या नहीं। अब वापस आते हैं अपने इस पार्ट पे जो अपन ने डिवाइड किया था, अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो, नोज और माउथ और इनसे जुड़ा हुआ ये आगे का पार्ट कौन सा, फेरिंग्स और लैरिंग्स, यहां तक का पार्ट तो क्या कहलाता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया से डिवाइड होकर ये ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, ये वगैरह सब मिलकर क्या बनाती है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन देखो, अपने ट्रैकिया लिखा,
ब्रोंका या ब्रोंकियोल्स लिखा, उसके आगे का जो पोर्शन है वो किस में होता है, लंग्स के अंदर, तो अपन ने लंग्स लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन ये वन बाय वन भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद दो मसल्स भी होती है जो रेस्पिरेटरी मसल्स कहलाती, बेसिकली जो लंग्स जो होते हैं वो खुद एकदम सॉफ्ट टिश्यू के बने होते हैं और उनमें खुद में कोई मसल्स नहीं होती, इसकी वजह से लंग्स ना तो खुद फूल सकते हैं ना खुद क्या कर सकते हैं, कॉलेप्स कर सकते हैं, तो उनका ये वॉल्यूम चेंज करे बिना तो अपन कैसे ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करेंगे। जब लंग्स को ऐसे पिचकाते हैं तो एयर बाहर निकल जाएगी और जब लंग्स फूलते हैं तो एयर अंदर आ जाएगी, लेकिन ये लंग्स खुद नहीं कर सकते। ये करने के लिए दो तरह की मसल्स होती है, एक होती है रेडियल मसल्स और एक होती है इंटरकॉस्टल मसल्स। अब ये दोनों क्या होते हैं अभी आगे देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ नाम देखते हैं, एक क्या होती है रेडियल मसल्स और एक ICM का मतलब इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और एक इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये डायग्राम और ये डिस्क्रिप्शन आप नोट कीजिए, फिर अपन वन बाय वन आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो पहले स्टार्ट करते हैं नोज। देखो नोज जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से, और नोस्ट्रल्स बाहर से विजिबल होते हैं, यहां से दिखते हैं। एक्सटर्नल क्यों बोला इन नोस्ट्रल्स को, क्योंकि ऐसे कैसे दो पोर या अंदर भी होते हैं इसलिए उनको कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रल्स, ठीक है। ये जो होते हैं नोस्ट्रल्स जो होते हैं वो नेजल कैविटी में खुलते हैं और फिर नेजल कैविटी जो होती है फेरिंग्स का एक पार्ट होता है जिसे नेजो फेरिंग्स कहते हैं, उसमें खुलता है। अब देखो नोज के अलावा माउथ से भी अपन एयर अंदर ले सकते हैं और माउथ जो है वो भी क्या होता है सेकेंडरी ऑर्गन होता है इनहेलेशन का, अंदर एयर लेने का, लेकिन नोज से एयर लेना ज्यादा ठीक होता है और उसकी कुछ सर्टेन एडवांटेज है, उस पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि भाई नोज से एयर लेने के एडवांटेज बताओ। तो पहला है कि नोज से जब एयर लेते हैं नोस्ट्रल्स के आगे या अंदर नोज में क्या होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है डस्ट इंप्योरिटी वगैरह को रोक देते हैं, और अंदर जो नेजल कैविटी होती है उसकी इनर जो लाइनिंग होती है उसमें म्यूकस, म्यूकस बोले तो चिपचिपा सब्सटेंस रिलीज होता है, उस सब्सटेंस की वजह से जो डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया होते हैं वो वहां पे जाके चिपक जाते हैं। तो बेसिकली इन दोनों तरीके से क्या होता है कि अंदर की तरफ ना तो डस्ट पार्टिकल जाते हैं ना इंप्योरिटी जाती है ना बैक्टीरिया जाते हैं, और एक जब नेजल कैविटी से जब एयर जाती है तो धीरे धीरे उसके जो एयर जो बाहर से किसी भी टेम्परेचर चाहे जरूरत से ज्यादा ठंडी आए या फिर गर्म आए वो नेजल कैविटी से जब पास होती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो दो मेजर एडवांटेज हो गए नोज से एयर लेने का, पहला एडवांटेज कि उसमें कोई बैक्टीरिया डस्ट पार्टिकल कुछ भी नहीं होंगे, और दूसरा जो एयर अपन ब्रीथ इन कर रहे हैं उसका टेम्परेचर किसके जैसा हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर के लगभग वैसा हो जाएगा, और ये एयर अगर अब लंग्स में जाए तो लंग्स को हार्म नहीं करेगी, नहीं तो सोचो वो डस्ट पार्टिकल डायरेक्ट लंग्स में चले जाए तो लंग्स को क्या कर सकते हैं हार्म कर सकती है, वो जो ठंडी एयर या जो जरूरत से ज्यादा गर्म एयर अगर अंदर चली जाए तो भी लंग्स को हार्म कर सकती है। अभी जब लंग्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बलून लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है तो वो खराब हो सकते हैं। तो बेसिकली नोज से लेने पर ये तीन एडवांटेज है, ठीक है। माउथ अपन कर चुके हैं सेकेंडरी ऑर्गन है, टाइम ऑफ नीड के समय अपन माउथ से भी अपन क्या कर सकते हैं इनहेल कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं होता, फर्स्ट अपन को किससे एयर लेनी चाहिए नोज से लेनी चाहिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कर चुके हैं, क्या होता है एयर और फूड का कॉमन पाथ होता है, वहां पर अपन ने यह भी पढ़ा था कि फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं ओरोफेरिंग्स नेजोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। अब एयर का रास्ता देखते हैं, अगर एयर नोज से जाती है तो फेरिंग्स के कौन से पार्ट में जाएगी नेजोफेरिंग्स में जाएगी, लेकिन अगर एयर माउथ से जाती है तो फेरिंग्स के कौन से पार्ट में जाएगी ओरोफेरिंग्स। दोनों आगे जाके कंबाइन होकर चाहे नेजोफेरिंग्स से हो चाहे ओरोफेरिंग्स से एयर आगे किस में जाएगी लैरिंगोफेरिंग्स से, और लैरिंगोफेरिंग्स से अगले पार्ट जो अपन करने वाले हैं किस में जाएगी लैरिंग्स में। तो अगला अपना जो पार्ट है वो है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो किसको लैरिंगोफेरिंग्स को उससे भी अगले पार्ट किसे ट्रैकिया से कनेक्ट करता है। बेसिकली ये जो पार्ट है ये रेस्पिरेशन के हिसाब से नहीं, ये इसके अंदर ऐसे कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे गिटार वगैरह पे वो जो ऐसे होती है ना जो स्ट्रिंग बंधी हुई होती है ठीक वैसे के वैसे यहां पर कोर्ड होते हैं, और उन कोर्ड में से जब एयर बाहर जाती है तो उनमें वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली ये लैरिंग्स जो है वो अपना वोकल बॉक्स है, और वो किसकी वजह से है क्योंकि उसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है।
एक एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लैरिंग्स जो है वो किसका बना हुआ है, तो वो कार्टिलेज का बना होता है और उसके नंबर भी याद रखने हैं, कितनी कार्टिलेज, 9 कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना, लैरिंग्स कितनी कार्टिलेज का बना हुआ है, 9 कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। और क्या काम करता है, साउंड प्रोड्यूस करने के काम आता है। ये अपना था अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें क्या क्या था, नोज था, माउथ था, फेरिंग्स और क्या था, लैरिंग्स। फिर आगे स्टार्ट करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स का अगला पार्ट आता है, जिसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया बेसिकली यहां अपने नेक से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, चेस्ट तक जाता है। और वैसे देखे तो ट्रैकिया कहां से स्टार्ट होता है, लैरिंग्स के आगे से स्टार्ट होता है, अगला पार्ट कौन सा होगा, ब्रोंकाई, वहां तक चलेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो ट्रैकिया होता है वो एक तरीके का पाइप है जहां से एयर पास होती है, इसलिए कॉमन लैंग्वेज में इसे विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन है, वो फोकस करते हैं। पहला तो ट्रैकिया जो होती है उसके अंदर सी शेप्ड के रिंग्स होते हैं, जैसे मान लो ये ट्रैकिया है तो इसके अंदर सी शेप्ड के क्या होंगे, रिंग्स होंगी। अब उन रिंग्स के बारे में दो क्वेश्चन आते हैं, पहला तो वो रिंग्स किसकी बनी हुई होती है, तो वो हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, याद रखना। अगर पूछे कि ट्रैकिया, और ये बेसिकली ट्रैकिया नहीं, ब्रोंकाई वगैरह आगे के पार्ट में भी होती है, अगर पूछे ये सी शेप की रिंग किस कार्टिलेज की बनी हुई होती है, तो किसकी बनी होती है, हाइलिन की, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक और प्रॉब्लम, एक और सॉरी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि इसका काम क्या है, ये सी शेप की रिंग क्यों है। तो देखो बेसिकली एकदम बड़े आसानी से समझ सकते हैं, स्ट्रॉ जो होता है ना, जिसे अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो जब अपन स्ट्रॉ से एयर खींचते हैं तो स्ट्रॉ की दोनों वॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। अब यहां पे ट्रैकिया में बेसिकली अंदर वाली लाइनिंग में क्या, म्यूकस सिक्रेट होता है, तो जब अपन एक्सहेल करेंगे बोले तो एयर को बाहर की तरफ खींचेंगे, तो वो दोनों वॉल एक दूसरे के पास में आके चिपक सकती, तो इसे चिपकने से रोकने के लिए उसकी वॉल में क्या हो गया, सी शेप की रिंग्स लगा दी। अब रिंग्स की वजह से वो दोनों लेयर एक दूसरे के क्या नहीं आ पाती, पास में नहीं आ पाती। तो बेसिकली ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ट्रैकियल वॉल को स्टिक करने से एक दूसरे के साथ, और जिससे ट्रैकिया हमेशा ओपन रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछते हैं कि ट्रैकिया की जो लाइनिंग होती है वो किसकी बनी हुई होती है, बोले तो ट्रैकिया की जो लेयर है अंदर वाली वो किसकी बनी हुई है, तो वो किसकी बनी होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर एपिथीलियम। अब अपन इसका मतलब समझते हैं वन बाय वन, देखो अच्छे से सुनना मेरी बात, अच्छे समझ में आएगा। एपिथीलियम क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर की सबसे बाहर वाली लेयर को एपिथीलियम कहते हैं, एपिथीलियम वर्ड समझ में आ गया। इसके बाद अगले पे चलते हैं। अब ये एपिथीलियम में सेल कैसी है, फ्लैट सेल होती तो इसको अलग नाम देते, अगर ऐसे क्यूबिक शेप की होती तो क्यूबॉइडल बोलते, लेकिन यहां पर ऐसे लंबी लंबी सी सेल होती है, ऐसी सेल को कहते हैं कॉलमनर, तो ये कॉलमनर एपिथीलियम होगी, दो वर्ड समझ में आ गए। अब देखो अगर एक सेल के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर हो तो उसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड, क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड। और अगर एक एक सिंगल सेल हो, सिर्फ एक सेल की लेयर बनी हुई हो, तो उसे कहते हैं सिंपल, क्या कहते हैं, सिंपल। लेकिन यहां पर देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना इस डायग्राम को, बेसिकली तो यह चार सेल ही है, 1 2 3 4, लेकिन ये सेल थोड़ी छोटी हाइट की होने की वजह से इस ऊपर वाली ने इसकी स्पेस कवर कर ली, ऐसा लग रहा है कि एक सेल ये और एक सेल ये, मतलब एक के ऊपर दूसरी, बोले तो ऐसा लगता है दो सेल की लेयर, बोले तो ये स्ट्रेटिफाइड जैसी लगती है लेकिन होती नहीं है। तो सुडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, और स्ट्रेटिफाइड बोले तो लेयर, तो ये लेयर स्ट्रक्चर लगती है लेकिन एक्चुअल में लेयर्ड है नहीं, ठीक है। और सीलेटेड का क्या मतलब होता है, इसकी जो आउटर सेल है उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहते हैं, सीलिया। तो बेसिकली ये ओवरऑल पूरी कैसी हो गई, कॉलमनर है, एपिथीलियम है, और स्ट्रेटिफाइड जैसी लगती है लेकिन ट्रू नहीं है, इसलिए सुडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर एपिथीलियम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो ये कॉलमनर है बोले तो ये लंबी लंबी सेल होती है, तो इसके अंदर कुछ सिक्रेशन होते हैं, ये सिक्रेशन बोले तो ये कुछ सिक्रेट करेगी, तो ये एपिथीलियम म्यूकस सिक्रेट करती है, क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस। अभी मैं पहले ही बता चुका हूं अंदर वाली लाइनिंग पे म्यूकस इसलिए होता है कि अगर मान लो एयर जो ऊपर से आ रही है उसमें फिर अभी भी कुछ डस्ट पार्टिकल वगैरह बैक्टीरिया वगैरह रह गए तो वो यहां चिपक जाएंगे। एक जो सीलिया किस लिए होती है, वो जो म्यूकस पे चिपका तो लेगा लेकिन धीरे धीरे वो म्यूकस तो नीचे लंग्स की तरफ जाने लगेगा, तो ये सीलिया उन म्यूकस को का ऊपर की तरफ धकेल देती है, अपने नेक में आती है फिर अपन बाहर थूक देते हैं, ठीक है। तो ये अपने लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैक क्या भी हो गया, आप ये पूरा नोट कर लीजिए फिर आगे करते हैं।
सेकंड लेते हैं ब्रोंकाई। तो देखो ब्रोंकाई एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर में इसे कहते हैं ब्रोंकस। तो एक अगर है तो ब्रोंकस, अगर दो है या दो से ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। तो देखो जब एक बार ट्रैकिया अपने थोरेसिक रीजन में पहुंच जाती है, बोले तो चेस्ट वाले रीजन में या लंग्स के आसपास पहुंच जाती है, तो वहां ट्रैकिया जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसे अपन कहेंगे लेफ्ट और राइट ब्रोंकस, और कलेक्टिवली दोनों को क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। उसके बाद दोनों लंग्स में एक जैसा ही पैटर्न आगे चलेगा, ये ब्रोंकाई फिर और डिवाइड होगी सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर और डिवाइड होगी टर्शियरी ब्रोंकाई में, फिर और डिवाइड होगी ब्रोंकियोल्स में, और धीरे धीरे ये ब्रोंकियोल्स का डिवीजन चलता रहेगा, जो सबसे लास्ट में ब्रोंकियोल्स बनेगी उसे कहेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। क्या कहेंगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और उस टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पर क्या होगा, थिन इररेगुलर वॉल, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, बलून लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिनको क्या कहेंगे, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई लंग्स में वो जगह है या रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो जगह है जहां एक्चुअल में रेस्पिरेशन या गैस एक्सचेंज होता है। बोले तो जो बाहर से अपन ऑक्सीजन लेते हैं या एयर जो लेते हैं, उसमें से वो एयर जब एल्वियोलाई पर पहुंचती है तो यहां से एयर में से ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर होती है, और ब्लड से CO2 का आती है एल्वियोलाई में आती है। इसको अभी अपन समझते हैं, ठीक है। तो ये अपने ब्रोंकाई का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट लेते हैं लंग्स। तो लंग्स बेसिकली क्या है, ये ब्रोंकाई के बाद के आगे की ब्रांचिंग, जिसमें क्या आएगी, ब्रोंकाई सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियोल्स टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, और उसको कवर किए हुए एक फ्लेक्सिबल फाइबर की मेम्ब्रेन, और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या कहेंगे, लंग्स, जिसमें ब्लड वेसल्स भी होगी और कुछ स्पेसिफिक सेल भी होंगी, ठीक है। तो लंग्स क्या होते हैं, ब्रांचिंग नेटवर्क से बने होते हैं, किसके, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाई ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल फाइबर मेम्ब्रेन और स्पेसिफिक सेल्स। लंग्स कितने होते हैं ह्यूमन में, दो लंग्स होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। अब ये लंग्स जो है वो किस तरह के टिश्यू के बने, तो ये सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू के बने होते हैं, जिसे लंग लाइट वेटेड भी होते हैं बहुत। एक लंग्स के पूरे के डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी मसल्स नहीं आई अभी तक, और यही वजह है कि लंग्स खुद क्या नहीं कर पाएंगे, ना तो एक्सपांड हो पाएंगे, ना खुद क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो पाएंगे। इसके लिए अपन को बाद में किसकी नीड होगी, रेस्पिरेटरी मसल्स की, उसको अभी अपन आके देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो लंग्स जो होते हैं वो कितने है? दो लंग्स थे अपन ने देख चुके हैं, दोनों ही लंग्स में सेगमेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे से कंपार्टमेंट होते हैं जिनको कहते हैं लोब। जो लेफ्ट लंग होते हैं उसमें दो लोब होते हैं, जबकि राइट लंग में कितने लोब होते हैं, थ्री लोब होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लंग्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अभी अपन ने ये पढ़ा था ना, इररेगुलर वॉल वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं की बात चल रही है, उनको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। क्या कहेंगे, एल्वियोलाई कहेंगे। और ये एल्वियोलाई की जो लाइनिंग होती है, सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री होती है, वो बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये फिर वैसा ही डिस्क्रिप्शन है जैसे अभी वो अपने आई थी, स्ट्रेटिफाइड कॉलम्बर सीलिएटेड एपिथेलियम। तो देखो सिंपल का मतलब लेयर नहीं होगी, अगर स्ट्रेटिफाइड लिखा होता तो लेयर थी, तो यह सिंपल है, इसका मतलब एक ही लेयर होगी सेल की। स्क्वेमस लिखा हुआ है, इसका मतलब फ्लैट सेल होगी, कैसी सेल होगी, फ्लैट सेल। और एपिथेलियम, तो एपिथेलियम सबसे बाहर वाली कवर। तो ये एल्वियोलाई अगर अपन उसको जूम करके बनाए, बड़ा सा बनाए उस छोटे से बलून लाइक स्ट्रक्चर को, तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये इसकी सेल सारी अपन ने कैसी बनाई है, फ्लैट सेल बनाई है और एक लेयर बनाई, इसलिए ये कैसे हो गया, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर जो ये ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके चारों तरफ कैपिलरी होकर ऐसे निकलती है। तो जब ये जो ब्लू कलर का जो पाइप बनाया है इसके चारों तरफ, वो क्या है, कैपिलरी। अब ये कैपिलरी से जो ब्लड आ रहा है उसमें CO2 ज्यादा है और क्या है, ऑक्सीजन कम है। और यहां से कहां से, यहां से बाहर से एयर आ रही है, जो एयर अपन बाहर से लेंगे वो धीरे धीरे कहां तक पहुंचेगी, एल्वियोलाई तक। उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है और CO2 कम, यही वजह है कि ऑक्सीजन तो यहां से यहां आ जाएगी और CO2 कहां से यहां आ जाएगी। इसको कहते हैं गैस एक्सचेंज होना, और ये एक्चुअल में यहां तक ब्रीथिंग हुआ, अपन बाहर से जो एयर ली थी वो लेकर अपन एल्वियोलाई तक लाए इस पूरे रास्ते से होते हुए, और फिर एल्वियोलाई में क्या हुआ, ऑक्सीजन यहां से ब्लड में चली गई और ब्लड से CO2 यहां आ गई, जब अपन ब्रीथ आउट करेंगे तो ये CO2 बाहर चली जाएगी, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपने ये लंग्स का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब अगर एग्जाम में खाली लंग्स पे एक क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, ये आगे की स्लाइड में मैंने दे रखा है, कैसा डायग्राम बनाना और कितना डिस्क्रिप्शन लिखना है, आगे एक स्लाइड में एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, वहां से नोट कर ले। नेक्स्ट अपन करते हैं फिर रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है, पहले आप ये नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स, लेकिन इसे समझने से पहले एक टॉपिक समझते हैं थोरेसिक केज। अच्छे से समझिए तो ये आगे का सब समझ में आ जाएगा। देखो लंग्स जो है वो ना तो खुद क्या कर पाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर पाते हैं, ना एक्सपांड कर पाते हैं। अब जैसे लंग्स तो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, अब जैसे बलून को अगर बाहर से ऐसे दबाएं तो बलून के अंदर की एयर कहां चली जाएगी, बाहर, बोले तो एक्सहेल हो जाएगा, एयर बाहर जाना। और अगर बलून को ऐसे उसके ऊपर का प्रेशर हटा दे तो बाहर से एयर कहां आ जाएगी, अंदर। तो बेसिकली बलून को या वो जो लंग्स है उसको चारों तरफ से पैक करना है, ताकि वो चारों तरफ के स्ट्रक्चर जब अंदर की तरफ मूव करे तो उस पे लंग्स पे प्रेशर लगे और लंग्स के अंदर की एयर बाहर चली जाए। जब वो चारों तरफ के स्ट्रक्चर बाहर की तरफ मूव करे तो लंग्स से प्रेशर हटे और बाहर से एयर कहां आ जाए, अंदर आ जाए। अब वो चारों तरफ से कवर जो पिंजरा टाइप जो स्ट्रक्चर होगा उसे कहेंगे थोरेसिक केज। केज का मतलब आप सब समझते हैं। और थोरेसिक क्यों बोला, क्योंकि ये थोरेसिक कैविटी में होता है। अब इसको समझते हैं कि लंग्स किस थोरेसिक केज में। तो देखो ऊपर की तरफ अपने ये स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, ये नेक हो गई, और यहां पे जो बोन होती है उसे साइंस में कहते हैं क्लेविकल बोन, लेकिन आप ऐसे कॉलर बोन, क्योंकि कॉलर टिकी रहती है ना इसपे, इस वाली बोन पे, यहां पर होती है ना अपने बोन, सबको पता है इस पे कॉलर टिकी रहती है, इसलिए इसे कॉलर बोन कहते हैं। तो नेक और कॉलर से ऊपर से बंद हो गया, ठीक है, नेक और कॉलर बोन से कोई तकलीफ नहीं। आगे की तरफ देखो, यहां पर अपने यहां पे एक, अगर यहां पर ऐसे अपन दबाएं तो यहां की तरफ एक बोन लाइक स्ट्रक्चर फील होता है, जो लगभग लगभग यहां मिड तक फील होता है। इस बोन लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। और पीछे की तरफ अपन सबको पता है एक बड़ी सी, मतलब जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, छोटी छोटी बोन के कलेक्शन से एक पूरी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसको क्या कहते हैं, बैक बोन या वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम, जिसे बैक बोन भी लिख सकते हो, ठीक है, वैसे भी आपको समझना है। अब इन दोनों के बीच में यहां से स्टार्ट होकर रिप्स अपन सब जानते हैं यहां पर होती है, दिखती भी अपने, तो यहां से होके रिप्स को यहां पीछे तक, बोले तो यहां स्टर्नम से स्टार्ट होगी और वो कहां तक जाएगी, एकदम पीछे तक जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम तक, ठीक है। तो यहां स्टर्नम से एक रिप्स स्टार्ट की, वर्टिब्रल कॉलम तक ले गया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करके 7 रिप्स तो इन दोनों के बीच में आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके बाद ये स्टर्नम की साइज छोटी, ठीक है, तो फिर आगे की जो 8th, 9th और 10th स्टर्नम है वो, सॉरी रिप्स है वो, स्टर्नम के ये जो सबसे नीचे जो 7th रिप्स जुड़ी हुई थी इस पे जाके जुड़ जाती है। अपनी रिप्स यहां से देखे तो ऐसे ऐसे ऑब्लिक में, ऐसे मतलब तिरछी, ऐसे एक आउटलाइन बनती है ना, ये देखो ये बन रही है, क्योंकि ये यहां पर ऐसे नहीं जुड़ी हुई, यहां 8th, 9th, 10th यहां पर आके जुड़ गई, और 11th और 12th जो रिप्स होती है वो थोड़ी और दूर रह जाती है। बेसिकली अपने अंदर कितनी रिप्स होती है ऐसी, जिसको 12 रिप्स होती है। ऊपर की 7 ट्रू रिप्स कहलाती, ये 3 रिप्स फॉल्स रिप्स कहलाती है, और ये 2 हवा में तैर रही है, मतलब ऐसे तैर नहीं रही है, एक एंड फ्री है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिप्स। तो बेसिकली यहां चारों तरफ, या इस तरफ से लेटरली ये पूरा कवर हो गया, ऊपर मैं बता चुका हूं नेक और कॉलर बोन, और नीचे की तरफ क्या होता है, डायफ्राम, यहां पर क्या होगा, डायफ्राम, तो चारों तरफ से पैक हो गया। अब अगर ये डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करे और ये रिप्स जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करे तो लंग्स के ऊपर प्रेशर लगेगा और लंग्स की एयर बाहर चली जाएगी, सिंपल। और अगर डायफ्राम नीचे आ जाए और ये रिप्स बाहर की तरफ चली जाए तो लंग्स से प्रेशर हट जाएगा और बाहर से एयर का आ जाएगी अंदर। अब क्वेश्चन उठता है कि ये डायफ्राम ऐसे ऊपर नीचे कैसे होगा और रिप्स अंदर बाहर कैसे होगी, वो करने के लिए जो मसल चाहिए उसको अपन क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी मसल। नीड समझ में आई इस टॉपिक की? तो दीज मसल्स हेल्प टू चेंज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज, सो लंग्स एक्सपांड और रिलैक्स। ड्यू टू इट एयर गोज आउटसाइड और इनसाइड, बेसिकली रेस्पिरेशन करवाती है, इसलिए इनको रेस्पिरेटरी मसल्स कहते हैं। 2 मसल्स होती है, एक होती है डायफ्राम। देखो डायफ्राम जो होता है वो जनरली ऐसे डोम शेप में होता है, ये इसका रेगुलर शेप है, और इसमें जो मसल्स होती है वो मसल्स किस टाइप की होती है, स्केलेटल मसल्स टाइप। अब ये स्केलेटल क्या होता है, ऐसी मसल्स जो अपन खुद मूव करवा सके उसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये स्केलेटल मसल्स होती है, और ये स्केलेटल मसल्स जो होती है वो क्या कहलाती है, रेडियल मसल कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियल मसल। तो एक तो डायफ्राम होगी। अब जैसे ही इस डायफ्राम की मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ये डायफ्राम ऐसे की बजाय ऐसे फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट होगा तो इतना स्पेस एक्स्ट्रा मिल गया, बोले तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और जब ये रिलैक्स होगा, वापस डोम शेप में आएगा,
जब ऐसे होगा तो वॉल्यूम बढ़ गया, जब ऐसे हो जाएगा वापस ऊपर खिसकेगा तो ये ऊपर वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और इनहेलेशन होगा, बाहर से एयर अंदर आएगी। कैसे आएगी अभी अपन देखेंगे। और रिलैक्सेशन होगा तो वापस डोम शेप का हो जाएगा और एक्सहेल हो जाएगा। एक और मसल्स होती है जिसको कहते हैं आईसीएम। पहले इसके आईसीएम क्यों कहते हैं इसको समझते हैं। तो देखो ये रिप्स के बीच का जो स्पेस दिख रहा है, दो रिप्स के बीच का स्पेस दिख रहा है, इसको कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल स्पेस। और इस इंटरकॉस्टल स्पेस में जो मसल्स होगी उसको कहेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स, बोले तो आईसीएम। ये दो तरह की होती है, EICM, E का मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और IICM इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। जो एक्सटर्नल वाली जब कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो रिप्स को बाहर की तरफ ले जाती है और जब रिलैक्स होती है तो अंदर की तरफ लाती है। ये IICM वाली इंटरनल वाली जब कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो रिप्स को नॉर्मल पोजिशन से भी और अंदर लेके आ जाती है। इसको अपन इसकी नीड को बाद में समझेंगे, ये रेगुलर रेस्पिरेशन में काम आती है। अब देखते हैं रेस्पिरेशन होता कैसे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में दो तरह के स्टेप होते हैं, एक होता है इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपिरेशन। बोले तो इनहेल करना और एक्सहेल करना, एयर बाहर जाना, बाहर से एयर का लंग्स में आना क्या कहलाता है? इंस्पिरेशन। और लंग्स से एयर का बाहर चले जाना क्या कहलाएगा? एक्सपिरेशन। कोई तकलीफ नहीं। अब ये स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले क्या होगा? कॉन्ट्रेक्शन होगा रेडियल मसल और EICM में। रेडियल मसल्स में जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, देखो डायफ्राम ऐसे डोम शेप का होता है, जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन होगा फ्लैट हो जाएगा तो ऊपर ये एक्स्ट्रा स्पेस और बढ़ गया। और EICM एक्सटर्नल, रिप्स थोड़ी सी बार की तरफ मूव करेगी, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं करती, रिप्स थोड़ी सी बार की तरफ मूव करेगी, ओवरऑल क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम होगा थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ने से लंग्स के ऊपर का प्रेशर हट गया, तो बेसिकली लंग्स के अंदर प्रेशर कम है और बाहर का प्रेशर तो जितना था उतना ही रहेगा, तो कंपेरेटिवली वो ज्यादा हो गया इनडायरेक्टली। और बाहर से एयर कहां चली जाएगी? अंदर आ जाएगी। ठीक है, और एटमोस्फियर से लंग्स के अंदर चली गई क्योंकि लंग्स के अंदर प्रेशर क्या था? कम था। ठीक है, और एयर मूव इनसाइड, जिसको अपन क्या कहेंगे? इंस्पिरेशन। इसका उल्टा उल्टा, रेडियल मसल वापस रिलैक्स हो जाएगी, तो जो पहले ऐसे फ्लैट थी वापस ऐसे हो गई। अब जैसे ही ये ऐसे हुई तो ऊपर का वॉल्यूम क्या हो गया? कम, और एक झटका भी लगा। और लंग रिप्स जो थोड़ी सी बाहर है वो जैसे ही EICM रिलैक्स होगी, रिप्स वापस अंदर की तरफ आएगी, तो वो भी अंदर की तरफ, एक नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ और ऐसे, तो लंग्स के ऊपर से प्रेशर लगा और प्रेशर की वजह से एयर कहां चली गई? बाहर। और वॉल्यूम जो होता है थोरेसिक कैविटी का डिक्रीज होता है, लंग्स पे प्रेशर बढ़ता है और लंग्स से एयर कहां चली जाती है? बाहर, क्योंकि लंग्स में कैसा हो गया? हाई प्रेशर। अब देखो ये कॉन्स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रेक्शन तो अपन को कराना पड़ता है, रिलैक्सेशन तो अपने आप हो जाता है, इसका मतलब इंस्पिरेशन अपन को करना पड़ता है, एक्सपिरेशन अपने आप ही हो जाता है, लंबी सी सांस लेनी पड़ती है, सांस अपने आप ही छूट जाती है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, अपन को करना पड़ता है, और एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। जनरली स्टैंडर्ड केस में इंस्पिरेशन में लगभग 2 सेकंड लगते हैं, एक्सपिरेशन में लगभग 3 सेकंड लगते हैं, अप्रोक्स है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये फिक्स है कि एक्सपिरेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अगर उसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितने आते हैं? 12। इसका मतलब अपन जनरली स्टैंडर्ड 1 मिनट में 12 बार क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग का एक सेट कब कहलाएगा? जब मैं एक बार सांस ले भी लूं और एक बार सांस छोड़ भी लूं, इंस्पिरेशन भी कर लूं और एक्सपिरेशन भी कर लूं। तो ये जो 5 सेकंड का एक राउंड है वो एक रेस्पिरेशन या एक ब्रीथ कहलाएगी। तो ऐसी कितनी ब्रीथ ले सकते हैं स्टैंडर्ड केस में? 12। अब ये ज्यादा ही होती है अपन में, 12, 13, 14, 15 के आसपास होती है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। तो इस तरीके से अपना फिजियोलॉजी हो गया रेस्पिरेशन का। एक छोटा सा टॉपिक अपन और करेंगे, फिर ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं, एक क्वेश्चन है कि 2 लेवल क्या है रेस्पिरेशन के। तो देखो एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन 2 लेवल समझ सकते हैं। बाहर से एयर जो होती है वो लंग्स की एल्वियोलाई तक पहुंचती है, एल्वियोलाई और जो कैपिलरी होती है उसके चारों तरफ, उसके बीच में ब्लड का जो एक्सचेंज होता है उसको तो अपन क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब एल्वियोलाई की एयर में से ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? ब्लड में, और ब्लड की CO2 कहां आ जाएगी? एल्वियोलाई में। वो जो एक्सचेंज होता है वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद यहां से जो वो
ऑक्सीजन जो होगी वो ब्लड कहां पे लेके जाएगा, सेल के पास में या टिश्यू के पास में। तो टिश्यू और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होगा उसको अपन कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, जिससे ब्लड के अंदर की O2 कहां चली जाएगी, सेल के अंदर, और सेल के अंदर की CO2 कहां आ जाएगी, ब्लड के अंदर, समझ रहे हैं। और फिर वो CO2 लेकर वापस ब्लड कहां आ जाएगा, वापस किसके पास आ जाएगा, एल्वियोलाई के अंदर, और फिर वापस वही एक बार एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल ऐसे चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला बढ़ते हैं, यहां पे जब इंटरनल रेस्पिरेशन होगा तो जब सेल के पास ऑक्सीजन जाएगी तो वहां फूड का ऑक्सीडेशन भी होगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP के फॉर्म में। जैसे अपन कहीं पे भी वर्क करते हैं तो जो अपन को पेमेंट दी जाती है वो किसके फॉर्म में दी जाती है, वहां की करेंसी के फॉर्म में, जैसे अपने इंडिया में रुपीस के फॉर्म में दी जाती है। तो ठीक ऐसे कैसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो ATP के फॉर्म में, और ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है। देखो ये क्वेश्चन अभी अगले टॉपिक में भी आएगा जब अपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी करेंगे। तो देखो यहां पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि RBC में होता है। इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहते हैं, देखो पिगमेंट का मतलब होता है जो कलर प्रोड्यूस करे। तो हीमोग्लोबिन की वजह से RBC रेड कलर की होती है और ब्लड रेड कलर का होता है, तो ये रेड कलर प्रोड्यूस करता है इसलिए पिगमेंट। और ये साथ में ही ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट भी करता है, बेसिकली तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ परसेंटेज में CO2 का भी करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज करता है, इसलिए रेस्पिरेशन का पार्ट भी करता है, इसलिए रेस्पिरेशन भी करता है, पिगमेंट भी करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली अपन कर चुके हैं, सिर्फ आपको वापस नोट करने की एल्वियोलाई क्या है, उसके फंक्शन लिखने अपन कर चुके हैं, और सी शेप की रिंग का फंक्शन बताना, रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या करती है, वो कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, इस तरीके से अपना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन सर्कुलेटरी सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब सारा पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।